जी आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इंड्यूस्ड फिट मॉडल जो है वो एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट थे, डैनियल कोचलैंड, उन्होंने ये हमें बताया था 1958 में। ठीक है, हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली एंजाइम कैसे एक्ट करते हैं सबस्ट्रेट पे। तो इसके डिफरेंट मॉडल्स हम पहले एक स्टडी कर चुके हैं, जैसे कि हमने लॉक एंड की मॉडल देखा था। ठीक है, तो उसके बाद 1958 में एक साइंटिस्ट आए, अमेरिकन साइंटिस्ट थे डैनियल, इनका नाम लिख लेते हैं हम, कोचलैंड। ठीक है, तो उन्होंने कहा, उन्होंने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया। ठीक है, ये लॉक एंड की मॉडल की ही मॉडिफिकेशंस थी। ठीक है, लेकिन उससे थोड़ा सा डिफरेंट था। ठीक है, तो उन्होंने जो हमें मॉडल दिया उसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड फिट मॉडल। ठीक हो गया, तो इसकी हम एक डायग्राम देख लेते हैं, जिससे हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि इसको हमने क्यों नया जो है हमने मॉडल जो है वो डिज़ाइन किया, करने की जरूरत पेश आई। इसमें ये कहा जाता है कि हमारे पास जो सबस्ट्रेट होता है वो अकॉर्डिंग टू एंजाइम जो है, ज़रूरी नहीं है कि हो, अगर सबस्ट्रेट की शेप जो है जब वो एक्ट करता है एंजाइम के साथ रिएक्ट करता है, तो वो एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है, ये वाली रीजन जो, इसको हम एक्टिव साइट कहते हैं, नाम लिख लेते हैं, ये एक्टिव साइट है हमारे पास, तो एक्टिव साइट जो है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता है। ठीक है, एक्टिव साइट को मॉडिफाई करेगा तब वो रिएक्ट करेगा। ठीक है, ये देखिए, ये जो शेप है बिल्कुल डिफरेंट है, और ये हमारे पास सबस्ट्रेट की जो शेप है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। जब ये मिलेंगे तो ये इसने जो है कम्प्लेक्स में इसकी शेप को सेम कर दिया। ठीक है, ये वाला रीजन आप देख सकते हैं, ये मॉडिफाई हो चुका है, इसको हमने लेबल किया हुआ है ए बी सी और सी। ठीक है ना, ये ए है पार्ट, ये बी पार्ट है, ये सी पार्ट है, ये थोड़ा सा कर्व है, और यहाँ पर आके इसकी बिल्कुल मॉडिफिकेशन हो गई, ये तीनों साइड जो है वो अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट हो गई है। ठीक है, तो इंड्यूस फिट मॉडल डिजाइन करने के बाद इस साइंटिस्ट ने ये कहा था कि किसी भी एंजाइम का या एक्टिव साइट का जो रीजन होता है वो रिजिड नहीं होता। ठीक है, शेप जो होती है वो रिजिड नहीं होती। रिजिड का मतलब है कि ये नहीं हो सकता कि हम उसे चेंज ही नहीं कर सकते, ये प्रोटीन इन नेचर है। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं शेप नॉट रिजिड। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास जो एंजाइम होता है वो अपनी शेप को मॉडिफाई कर सकता है, कोई हमारे पास फिट रूल नहीं है कि ये इसी तरह रहेगा। ठीक है, ठीक है, तो एंजाइम जो है वो क्या करेगा, मॉडिफाई कर लेगा, यहाँ हम लिख लेते हैं मॉडिफाई करेगा अपने अपनी जो साइट है उसको। ठीक है ना, मॉडिफिकेशन इसमें हो सकती है, मॉडिफाइड, इसको मॉडिफाई लिख लेते हैं, इट्स एक्टिव साइट। ठीक है, एक्टिव साइट को वो मॉडिफाई कर लेगा, एक्टिव साइट। ठीक है, और एक्टिव साइट जो हमने देखी, ये वाला पार्ट जो है ये क्या होती है, एक्टिव साइट है। ठीक है, तो फिर ये कम्प्लेक्स जो बनेगा सबस्ट्रेट से मिलके, तो थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हो चुकी है। ठीक है, तो ये हमारे पास मॉडिफाइड फॉर्म आ गया, हम लिख लेते हैं मॉडिफाइड रीजन आ गया, मॉडिफाइड, और ये एक्टिव साइट क्या है, मॉडिफाई होगी। ठीक है, तो इसके अलावा हम एक और डायग्राम देख लेते हैं, इससे हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये हमारे पास है इंड्यूस फिट मॉडल की एक और पिक्चर है, जो कि रियल में ली गई है। ठीक है, इंड्यूस फिट मॉडल थ्योरी जो थी उसके अकॉर्डिंग जो है हमारे पास एक सब्सट्रेट है। ठीक है, ये पिंक कलर का जो है हमारे पास सब्सट्रेट मौजूद है। ठीक है, और एक्टिव साइट जो है ये वाला रीजन जो होता है, ये एंजाइम का एक्टिव साइट है जिसको हमने लेबल किया हुआ। ठीक है, और ये हमारे पास सब्सट्रेट हो चुका है। जब ये दोनों मिलके कम्प्लेक्स बनाएंगे तो ये इसका रीजन जो जो हमारे पास सब्सट्रेट है, जब इसका मिलेगा तो ये इसकी पोर्शन को, एक्टिव साइट को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देगा। ठीक है, और रिजिड नहीं है, प्रोटीन है, वो अपनी शेप को थोड़ा सा चेंज कर सकती है। तो आज हमने जो है देखा है इंड्यूस फिट मॉडल को, ये जो मॉडल है ये हमें एक और साइंटिस्ट ने हमें प्रेजेंट किया था, और इसके अकॉर्डिंग जो एंजाइम होते हैं उसकी एक्टिव साइट जो होती है वो रिजिड नहीं होती है, वो चेंज भी हो सकती है। ठीक है, और चेंज करके उसके अंदर जो है सब्सट्रेट जो होगा वो उस रीजन को चेंज कर देगा और उसके अंदर फिट हो जाएगा।